हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर बिजलपुर में तेंदुए ने महिला को बनाया निवाला। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर बिजलपुर में तेंदुए ने एक खेत पर पानी चला रही महिला को अपना निवाला बना डाला, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे, तब तक तेंदुआ महिला को अपना शिकार बनाने के बाद फरार हो चुका था। बता दें कि हसनपुर क्षेत्र के गांव फूलपुर बिजलपुर के जंगल में 33 वर्षीय शारदा खेत पर पानी चलाने गई थी। उसी दौरान एक तेंदुआ आया और उसने शारदा पर हमला कर दिया, जिसके बाद शारदा को अपना निवाला बना लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो गांव में हड़कंप मच गया और भारी तादाद में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम व पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गए। आनंद फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग जिले के अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने हसनपुर रेंज के वन अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले का पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि हमला किसने किया था। इससे पहले कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। सदर थाना हसनपुर में एक महिला को पानी चलाते हुए तेंदुए ने हमला कर मौत हो गई है। क्या है सदर मामला? हमको भी अभी सूचना मिली है मीडिया के थ्रू और उसके बाद हमने अपने रेंज अधिकारी से बात किया तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी जानकारी हुई है। वो अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि ये तेंदुआ ने हमला किया है या किस वजह से ये घटना हुई है। जैसे ही कुछ पता चलेगा बताया जाएगा।